दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए और एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने बहुत सी बातों के बारे में बताया था। श्री कृष्ण ने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया था जिन्हें हर किसी को अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और उस व्यक्ति को कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए आज जानते हैं कि वह ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म पुराणों से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली है चंदन। चंदन बहुत ही पवित्र माना गया है। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में चंदन का विशेष महत्व होता है। चंदन का तिलक लगाया जाता है। इसके तिलक से मन में शांति मिलती है। चंदन हमें हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि हर रोज पूजा करते समय देवी देवताओं को चंदन अर्पित करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा है वीणा। बुद्धि और शिक्षा की सरस्वती देवी का प्रिय यंत्र वीणा है। अगर वीणा घर में रखेंगे तो सरस्वती की कृपा हम सब पर बरसेगी और सभी की बुद्धि का विकास होगा। मुश्किल परिस्थितियों में भी आपका धैर्य बना रहेगा और आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। तीसरा है घी। घी हमें हमेशा ही घर में रखना चाहिए। नियमित रूप से इसका सेवन भी करना चाहिए, जिससे हमें शक्ति मिलती है और शरीर भी स्वस्थ बनता है। रोज शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में घी का विशेष महत्व होता है, इसलिए घी को अनिवार्य रूप से घर में रखने की सलाह दी जाती है। चौथा है शहद। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शहद रखने से वास्तु से संबंधित कई दोषों का नाश होता है। इसके साथ ही पूजा में भी शहद जरूर रखना चाहिए और सभी देवी देवताओं को शहद का भोग भी लगाना चाहिए। जिस घर में पूजा में शहद का प्रयोग किया जाता है उस घर में भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। पांचवा है पानी। घर में हमेशा साफ पानी भरा होना चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आए तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में कई सारे दोषों का नाश होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो धर्म व ग्रंथों से संबंधित इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।